क्या हाल चाल है? बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम मस्त एकदम। 17 मई तक लॉकडाउन लग चुका है, मस्त वर्जन 1.0 2.0 3.0 रिलीज होते जा रहे हैं, एकदम मजा आ जाएगा भाई। ऐसे तो यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे जैसे वर्जन अपग्रेड होंगे ना, एंटी वायरल ड्रग्स के साथ इनको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आधी जनता तो वैसे ही पागल हो चुकी है, क्योंकि मैं भी पागल हो चुका हूँ। बिकॉज 1 महीना पूरा हो चुका है मुझे अभी कर्फ्यू में रहते हुए, और मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी, राजस्थान में कर्फ्यू कर्फ्यू नहीं होता, इट्स महाकर्फ्यू। मैं 1 महीने से महाकर्फ्यू में रह रहा हूँ, बढ़िया। और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूँ, मतलब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसा फील हो रहा है मुझे 1 महीने से एकदम मस्त कर्फ्यू में रहते रहते। तो भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है ना मेरे बारे में, वो है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कभी वरदान हुआ करता था, उसी वर्क फ्रॉम होम के तले हम एकदम मस्त तले जा रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू वर्क 8 hours 5 days a week। तो बढ़िया, हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर अच्छी बात है कि फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यार उससे थोड़ा बहुत ना काम मिल जाता है, टाइम पास हो जाता है, बढ़िया। दूसरों की तरह वेले नहीं बैठे, अपनी स्किल्स और लर्निंग बढ़िया चल रही है, काम चल रहा है, तो सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़िंदगी अभी हाल वैसी चल रही है जैसे टाइटैनिक में सारी दुनिया ख़त्म होती रहती है और लास्ट में वो बैंड बजता रहता है, ऐसे ही दे दनादन में वो मस्त राजपाल यादव पूरा पानी में सब लोग भीगे हुए रहते हैं, पर वो अपने बस वो ग्लास बचाता रहता है, सेम वही फीलिंग आ रही है। इन्हें से बढ़िया कर्फ्यू में जी रहा हूँ ना, अब ना मैं लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच का डिफरेंस ही भूल चुका हूँ पूरा। सर 25-26 तारीख से लॉकडाउन लगा था, 5 के आसपास से कर्फ्यू लगा था कोटा में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, और अभी यार पूरा बस खींचते खींचते पहले वो 3 दिन के लिए लगा था, फिर 3 दिन। तो बढ़िया एकदम 5 तारीख से दूसरी 5 तारीख आने वाली है, कर्फ्यू अभी लिफ्ट हुआ नहीं है, मस्त मजे आ रहे हैं। आज पुलिस वाले अंकल से बाहर पूछा था, जो कि बढ़िया ड्यूटी देते हैं एकदम, और कोई भी बाहर निकलता है ना तो उसका पिछवाड़ा इंसान से हटा के और बंदर का बना देते हैं, मार मार के बढ़िया। तो मैंने उनसे ऊपर से ही पूछ लिया, डर तो लग ही रहा था, मैंने कहा अंकल कर्फ्यू लिफ्ट होने के चांस क्या है? तो मैंने कहा बेटा अभी यार तो मस्त 14-15 दिन और चलेगा, तू मस्त रह। मैंने कहा ये बढ़िया मजा आ गया अंकल एकदम मस्त। और भैया बीच में तो इतना बुरा आलम हो गया था ना यार, मतलब सब्जी वब्जी कुछ नहीं मिल रही थी, पहले का जो स्टॉक था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, नई सब्जियां आ नहीं रही थी। तो एज अ वेजिटेरियन ना जितनी भी तरीके की दाल होती है ना सब बन गई, दाल छोले राजमा तुअर दाल मूंग दाल उड़द दाल मोगर ये छिला हुआ वो छिला हुआ, मतलब इतनी तरीके की वेराइटीज़ थी, हमने सब खा के एकदम जो है ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ लोग जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई, वो ये है कि उनकी जुबा केसरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, उनको रजनीगंधा नहीं मिल पा रहा है, उनको 00 नहीं मिल पा रही है, पब्लिक एकदम मस्त जिसको कहते हैं भूखी हो रखी है। उनके पास 15-20 दिन का दाल और इन सब का राशन का स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन इस चीज़ का स्टॉक नहीं था, जिसके लिए वो अब सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मतलब पूछो मत यार, एसेंशियल सर्विस वाली वैन को ना लोग बाग पैसे दे रहे हैं कि भाई कल आए तो हमारे लिए विमल ले आना, कल आए तो रजनीगंधा ले आना, ये गुटका ले आना, वो बीड़ी ले आना। मेरे को ऐसा लगता है ना सरकार गलत फहमी में जी रही है, उनको पता नहीं है कि एसेंशियल्स में भेजना क्या है। मस्त एसेंशियल्स भेजो यार, एसेंशियल्स की ज़रूरत है उनको यार। इन सब चीज़ों के बीच में है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचना पड़ता है, जिस दिन छुट्टी होती है कि यार आज पूरा दिन करे तो करे क्या, तो उस दिन तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आता कि दिन भर मैं खाऊं क्या। वैसे तो मैं फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और मैं खुद भी एक्सरसाइज डेली करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है, हर चीज़ हर तरीके से इन्जॉय करो यार। और मुझे ऐसा, मैं थोड़ा ज़्यादा ही फूडी टाइप का बंदा हूँ, तो मैं मतलब काम करता रहता हूँ अपना आम दिनों में भी, और जैसे ही 1-2 घंटे होते हैं फिर मैं जाके रसोई में कुछ ना कुछ खाता हूँ। मतलब मम्मी आजकल ना मुझे लिस्ट लेके मेरे सामने ये पढ़ाई ये खा ली, चलो ठीक है। उसके बाद जब मैं एक दो घंटे बाद फिर से जाता हूँ ना, कोई बात मम्मी मेरे को देख के डर जाती है कि यार ये आदमी की क्या है, मतलब बार बार आया जा रहा है, क्या खिलाऊँ इसको, ऐसा कोई ढाबा थोड़ी खोल रखा है। मतलब परेशान तो हो चुकी है मम्मी मुझसे, अब या तो एकदम मेरी पक्की दोस्त बन जाती है ना, या फिर एक सेकेंड में पक्की दुश्मन बन जाती है, समझ नहीं आता कि हमारे बीच में चल क्या रहा है यार। मतलब ये साल इस साल तो ना मैं एकदम परेशान हो चुका हूँ यार, अपनी ज़िंदगी में याद रहेगा कि साल 2020 आया था और पूरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहा था मैं, और समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ये 2020 ना एक 2020 मैच की तरह लग रहा है मेरे को, अब ऐसा लग रहा है जैसे सारे चौके और छक्के इसी साल लगने हैं, हर दिन कोई चौका लगता है, हर दिन कोई छक्का लगता है, मतलब कोई आउट हो जा रहा है। अभी यार देखा आपने कि जैसे इरफान खान चल गए यार, ऋषि कपूर जी चल गए, नसरुद्दीन जी हॉस्पिटल में, हम उनकी अच्छी हेल्थ की कामना करते हैं, बट स्टिल इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ ना मैं इस साल से, मतलब
या तो कोई सुपर पावर आ जाए, कोरोना खत्म हो जाए, या फिर ऐसा कोई बटन दबाने से यार ऐसा कुछ हो जाए जिसमें मैं 4 महीने आगे चल जाऊँ, पता हो जाए कि हाँ यार मतलब कोरोना से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, अपन बच रहे नहीं बच रहे, जो भी है सीन सट क्लियर हो, 5 महीने आगे चल जाऊँ या फिर पीछे चल जाऊँ, तो बता दूँ सबको जाके भैया बहुत कुछ होने वाला है, सब अभी से ही घर बैठ जाओ एकदम, ताकि सब बच जाए। तो भैया यार 9 बज चुके हैं यार, एकदम मस्त आज उत्तर रामायण का लास्ट एपिसोड आने वाला है और वो बहुत जोरदार आने वाला है, तो मैं तो जा रहा हूँ भैया। आज के लिए वार्तालाप खाली इतना ही था। ओ भाई अगर वीडियो यहाँ तक देख ली हो ना यार, तो प्लीज़ कम से कम बेशर्मों की तरह ऐसे देख के ना इग्नोर मत मारा करो यार, मतलब कोई बंदा तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है ताकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट होता रहे यार, कम से कम सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं तो तुम्हारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ठीक है भाई, रामायण के बीच में आया हूं मैं तुम्हें ये बताने के लिए यार, प्लीज समझा करो थोड़ी बात को यार, कर दो यार भाई को फेवर यार, कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन। सो बाय।